हेलो फ्रेंड्स, भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसपे हम लोगों ने देखा था कि सेलर का रजिस्ट्रेशन या मतलब बायर का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे जी यहाँ पे सेलर का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, जहाँ पे आप कोई भी मार्केट में आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। यहाँ दो टाइप में बेसिकली सेलर्स आते हैं, प्रोडक्ट आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ इसका सबसे पहला हमारा रजिस्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो सबसे पहला रजिस्ट्रेशन के लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बेसिक लेवल पे ITR, ये सभी आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अभी जो स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिर्फ आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड लगेगा। पैन बेस्ड थोड़ा सा मुश्किल होता है, आधार बेस्ड आपका तुरंत आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसलिए आधार कार्ड के साथ यदि मोबाइल नंबर लिंक रहा तो तुरंत आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो मैं आपको आज आधार के साथ कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं वो आपको मैं करके बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं जाऊंगा साइन अप में जाके क्लिक करूंगा, उसके बाद ये जनरल टर्म्स एंड कंडीशन आता है एक्सेप्ट करके। इसको ये विंडो को क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे आपको ये एग्री का बटन आ जाएगा। यहाँ पे आप कैसी कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप प्राइवेट लिमिटेड, तो मेरी प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरशिप ले लिया। आपके कंपनी का जो नाम चाहिए वो कंपनी का नाम, तो मैं यहाँ पे कंपनी का नाम मेरा लेना चाहता हूँ भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन। आपने ये एक बार डाल दिया तो ये चेंज आप नहीं कर सकते। कंपनी के टाइप चेंज कर सकते हैं, यदि बाद में आप प्राइवेट वन टाइम आपको चेंज करने को मिलता है। हमने आधार बेस लिया था, आधार नंबर या वर्चुअल आईडी, आप दोनों में से कोई भी एक डाल सकते हैं। और उसके बाद आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर लिंक विद आधार, जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर डाल दीजिए आधार का, वेरीफाई आधार, ये आपको KYC का आधार से वेरीफाई करेगा OTP। जैसे क्या ये आपका देखिए रजिस्ट्रेशन हो चुका और आपका लॉगिन हो गया। आपका आधार बोल रहा, आधार नंबर वेरिफिकेशन वाइज सक्सेसफुली हो गया, डायरेक्ट ही आपका लॉगिन हो चुका। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है, और यहाँ पे उसका फिर से वेरीफाई ईमेल आईडी, मतलब जो ईमेल आईडी आपने डाला फिर से इसको रिपीट करना है आपको फिर से। और यहाँ पे हम लोग इसको OTP को सेंड कर देंगे, फिर आपको यहाँ पे OTP जो आपके ईमेल पे आएगा उसका ईमेल का आपको OTP यहाँ पे इनपुट करना है। इनकेस आपको नहीं मिलता है तो ऊपर में आपको रिसेंट का भी ऑप्शन है, तो आप रिसेंट भी कर सकते हैं। तब तक OTP नहीं आया है तब तक तो मैं यूजर आईडी डाल लेता हूँ। यूजर आईडी आप अपने अकॉर्डिंगली, यदि नहीं है आपके पास यूजर आईडी वहां पे नॉट अवेलेबल रहा तो आप उसको चेंज करके आपको डालना पड़ेगा। और पासवर्ड, और फिर बाद में हम यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड डाल देंगे और अकाउंट को क्रिएट करेंगे। प्राइमरी सेलर, यस हम प्राइमरी सेलर में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। सेलर अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुली, तो आपका अकाउंट ये क्रिएट हो गया। मैं यूजर आईडी को कॉपी कर लेता हूं, मेरे अकाउंट्स क्रिएट हो गए। देखिए मुझे डायरेक्ट वो अकाउंट्स का लॉगिन करके लेके आया। यहाँ पे आपको माय अकाउंट में जाने का है, वहां पे आपके नाम के ऊपर क्लिक कीजिएंगे और माय अकाउंट पे जाएंगे। माय अकाउंट पे ये जो सभी डिटेल्स है ये आपको सबको आपको फिल करना है। तो सबसे पहला हम कंपनी डिटेल्स और कंपनी कब चालू हुआ था, जैसे मैंने इसको फिल कर दिया ये ग्रीन टिक आ गया। फिर पेन का वैलिडेशन, आपका पेन नंबर डालिए और पेन में जैसा नाम है वैसा ही, ये आपके पेन कार्ड के NSDL का जो सर्वर है वहां पे जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंगली ही आपका चलेगा। यदि यहाँ पे पेन आपका वहाँ वेरीफाई नहीं है तो पहले ITR में जाइए और वहां से उसको वेरीफाई कीजिए ITR से, और बाद में इसको वेरीफाई कीजिए पेन को। सब ऑनलाइन प्रोसेस है, जब जो ऑनलाइन लिंक है तो ये वेरीफाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर आपके ऑफिस लोकेशन, ऑफिस लोकेशन दो तरीके से कर सकते, एक GST से कर सकते नहीं तो ITR से कर सकते। GST यदि है आपका तो आप GST बेस से यहाँ पे GST नंबर के साथ लिंक कर सकते हैं, नहीं तो आधार ITR के साथ। यहाँ पे उसके बाद टैक्स असेसमेंट के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपको बताऊंगा टैक्स असेसमेंट में कैसे आप वर्क करते हैं, टैक्स असेसमेंट आपका कैसे क्लियर हो सकता है।
एक्सपीरियंस तो हम यहाँ पे 0 0 डाल देते हैं, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए मैं सेव कर दिया। ये सब कुछ आपके पास सब टिक होना चाहिए। फिर वन बाय वन आपके बैंक डिटेल्स, फिर आपके ये जब तक नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे कैटलॉग तैयार नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको ऑफिस लोकेशन क्लियर करना पड़ेगा, टैक्स असेसमेंट क्लियर करना पड़ेगा, बैंक और ये आपकी आधार को अपडेट यहाँ से भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर आपको जरूरत नहीं है मुझे इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। मैं फिर से प्रोफाइल में जाके यहाँ पे माय अकाउंट में जाऊंगा। फिर से देखिए यहाँ पे मेरा बहुत सारी चीजें हो गई, बैंक अकाउंट अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है तो बैंक अकाउंट में यहाँ पे डालता हूँ। वेंडर असेसमेंट की मुझे जरूरत नहीं है, यदि आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको वेंडर असेसमेंट करना है, नहीं तो आपको जरूरत नहीं। स्टार्टअप में आप चाहो तो रजिस्टर्ड करा सकते हो स्टार्टअप इंडिया से, यदि आपके पास उद्योग आधार है तो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन आप डाल सकते हैं, पर इससे ये सब मैंडेटरी नहीं है। स्टार्टअप एमएसएमई ये आपके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है, चाहे तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज फिर भी आपको कैटलॉग तैयार करने देगा और आप कहीं पर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो आपका मेन मैंडेटरी है वो ऑफिस लोकेशन और टैक्स असेसमेंट, ये दोनों मैंडेटरी है आपको, यदि आगे कभी भी कुछ भी काम करना है तो मैंडेटरी है। जैसे मैंने यहाँ पे आईएफएससी कोड डाला, बैंक नेम और बैंक एड्रेस ऑटोमेटिकली आ गया। नीचे आपका बैंक आपके आपको एज पर बैंक के अकॉर्डिंगली नाम, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, ये बैंक के डिटेल्स आपको फिल करना है। यदि ये सब कुछ प्रॉपर रहा तो ये बैंक भी आपका वैलिडेट हो जाएगा। ये सेव हो गया, ये होने के बाद इसको आप वेरीफाई करेंगे। देखिए सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया बैंक डिटेल, मतलब बैंक डिटेल जो मैंने डाला था वो सभी सही है, ये ऑनलाइन चेक करता है। यदि आपने गलत डाला तो ये कभी वेरीफाई नहीं होगा। बाकी यहाँ पे नहीं है कुछ, आपको अभी आगे आपको ऑफिस लोकेशन और टैक्स असेसमेंट करना है। टैक्स असेसमेंट पे मेरा दूसरा वीडियो में बना दूंगा और अभी कैटलॉग तैयार करता हूँ। तो कैटलॉग मुझे अभी वो तैयार करने को नहीं देगा क्योंकि मेरा अभी भी प्रोफाइल इनकम्प्लीट है। मेरे पास अभी तक हम लोगों ने लोकेशंस नहीं डाले हैं और टैक्स असेसमेंट भी नहीं किए, इसलिए मुझे वहां पे वो अभी तक कैटलॉग तैयार करने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट कॉन्स्ट्रीब्यूट आपका है तो यहाँ पे आप कंपनी के जो डिटेल्स है उसको आप एक बार जरूर बदल सकते हैं। अभी मेरा प्रोपराइटर है तो मैं प्रोपराइटर से वन टाइम चाहे तो प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कोई भी एक बार हम वन टाइम में चेंज कर सकता हूँ।